आप देख सकते हो काफी खूबसूरत पंडाल को सजाया गया है। इधर देख सकते हो केदारनाथ ज्योतिर्लिंग, देख सकते हो इधर सामने में केदारनाथ ज्योतिर्लिंग का है। गुढ़ियारी पड़ाव का काफ़ी खूबसूरत से सजाया गया है, देख सकते हो दुर्गा पंडाल को, और काफ़ी जगह का ज्योतिर्लिंग है यहाँ। देख सकते हो पूरा गुपचुप वगैरह चाट वगैरह लगा है, और इधर बच्चे लोगों का खेलने कूदने का है, और इधर झूला वगैरह है देख सकते हो सामने में, और काफ़ी माहौल अच्छा है। भीड़ थोड़ा कम है, बाकी सब भीड़ में तो मज़ा ही नहीं आता है, देख सकते हो अभी तो काफ़ी खूबसूरत लग रहा है, देख सकते हो इधर पूरा बच्चे लोगों का झूला है, देख सकते हो सामने का पूरा नज़ारा, देख सकते हो यहाँ का काफ़ी खूबसूरत लग रहा है यहाँ का नज़ारा, और इधर पूरा बच्चे लोगों का है झूला, देख सकते हो। और सामने में ये है दुर्गा पंडाल, देख सकते हो इधर पूरा खेलने कूदने का है, इधर चाट वगैरह का है, देख सकते हो। हेलो एवरीवन, फिर से एक नया ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। तो आज हम जाने वाले हैं गुढ़ियारी पड़ाव, और पड़ाव का आप लोग को दुर्गा दर्शन कराने वाले हैं, तो चलो आगे वीडियो में बने रहो। अभी हम खड़े हैं खमतराई के ओवर ब्रिज के सामने, देख सकते हो, और एक दुर्गा पंडाल और है, तो काफ़ी सुंदर बनाया गया है, और काली माँ का पूरा मूर्ति है, तो चलो आगे हम आप लोग को दिखाते रहेंगे, तो वीडियो में बने रहो। सर्व आप देख सकते हो काफ़ी खूबसूरत पंडाल सजाया गया है, और काली माँ का देख सकते हो विद्यार्थियमर्पया आप देख सकते हैं पूरा पंडाल काफी बड़ा है, काली माँ का मूर्ति बैठाया गया है, देख सकते हो और सामने देख सकते हो पब्लिक और पंडाल को सजाया गया है, देख सकते हो समर्पया। इधर देख सकते हो खमतराई ओवर ब्रिज है सामने में, और देख सकते हो सामने में ओवर ब्रिज के नीचे में पंडाल है, देख सकते हो चुके हैं गुढ़ियारी पड़ाव दुर्गा पंडाल, तो चलो अंदर यहाँ से प्रवेश द्वार है, तो चलो आगे हम आप लोग को दिखाते रहेंगे। तो आप देख सकते हैं सामने में इस प्रकार का नज़ारा है, यहाँ स्टॉल वगैरह लगा हुआ है, और इधर भी देख सकते हो ये खिलौना वगैरह लगा है बच्चे लोगों का, और इधर पूरा गुपचुप पानी पूरी का लगा हुआ है, तो चलो अंदर तरफ चलते हैं और आप लोग को पूरा वीडियो दिखाते रहेंगे, वीडियो में बने रहो। ये है कूपन वगैरह का है, 20
₹20 लगेगा कूपन का, देख सकते हो। आप देख सकते हो गुड़िहारी समिति, दुर्गा उत्सव समिति गुड़िहारी। और ये जो सामने में देख सकते हो प्रवेश द्वार, और इसी रास्ते से हम लोग जाएंगे। काफी खूबसूरत से सजाए गए हैं। इधर से पब्लिक आके दर्शन करके इधर से जा रहे हैं, देख सकते हो। इधर पूरा मेला जैसा लगा हुआ है, देख सकते हो। इधर झूला वगैरह लगा है बच्चे लोगों का, देख सकते हो। आगे चलो फ्रेंड, हम आप लोग को पूरा और दिखाने वाले हैं जहाँ मेला जैसा लगा है। तो चलो सामने में देख सकते हो पूरा गुपचुप वगैरह चाट वगैरह लगा है। इधर बच्चे लोगों का खेलने कूदने का है, और इधर झूला वगैरह है, देख सकते हो सामने में। काफी माहौल अच्छा है, भीड़ थोड़ा कम है, बाकी सब भीड़ में तो मजा ही नहीं आता है, देख सकते हो। अभी तो काफी खूबसूरत लग रहा है, देख सकते हो। इधर पूरा बच्चे लोगों का झूला है, देख सकते हो। सामने का पूरा नज़ारा देख सकते हो, यहाँ का काफी खूबसूरत लग रहा है यहाँ का नज़ारा। और इधर पूरा बच्चे लोगों का है झूला, देख सकते हो। और सामने में ये है दुर्गा पंडाल, देख सकते हो। Thank you.
इधर पूरा खेलने कूदने का है, इधर चाट वगैरह का है, देख सकते हो। तो फ्रेंड्स गुबिहारी पड़ाव का दुर्गा पंडाल कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।